फेजर डायग्राम एट रेजिस्टिव लोड माने जबकि लोड का पावर फैक्टर यूनिटी हो रेजिस्टिव लोड के केस में करंट और वोल्टेज सेकेंडरी में इन फ्रेस होते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटी है यदि हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहें प्राइमरी वोल्टेज V1, वन सेकेंडरी के अक्रॉस या लोड के अक्रॉस वोल्टेज V2, टू ई एम एफ इज ई वन ई एम एफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी

उसकी वजह से फ्लक्स सेट हुआ विच इज ऑन एक्स एंड फ्लक्स की वजह से फ्लॉक्स एंड टू सप्लाई आयर लॉसेज दट इज आई नॉट विच इज लैगिंग बिहाइंड सप्लाई वोल्टेज बाई लेस एंगल लेस देन नाइनटी डिग्री नाउ अब हम आ जाए सेकेंडरी वाइंडिंग पर क्योंकि हमेशा जो भी लोड करंट फ्लो होता है उस पर बेस्ड ही प्राइमरी से करंट ड्रॉ करते हैं चाहे कोई भी मशीन तो सेकेंडरी पर जब हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है विच इज प्योरली रेजिस्टिव सर लोड तो क्या होगा उसमें जो भी करंट फ्लो होना है दैट वुड बी इन फेज विद दिस वोल्टेज वी है ना क्योंकि ई एम एफ आर द सेम V2 V2 करेंट आई वन होगा आई टू होगा सॉरी हैोड हैंगल बिटवीन द टू इसको हम प्राइमरी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज की साइड इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्निट्यूड में ड्रॉ करें क्योंकि हमें इसको प्राइमरी वाइंडिंग से ही लेना है तो दिस कैन बी

ओके okay, और जो दो दोनों के बीच में एंगल होगा सप्लाई वोल्टेज और आईवन करेंट के बीच में ये होगा पावर फैक्टर एंगल ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग का पावर फैक्टर क्या है यूनिटी जीरो एंगल यूनिटी पावर फैक्टर प्राइमरी वाइंडिंग का पावर फैक्टर है फाइवन इस तरह से हम रेजिस्टिव लोड के लिए फेजर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं